दावणगिरी भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ के बहुत ही खास पर्यटन स्थल कुंडूवाड़ा केरे से कर सकते हैं। कुंडूवाड़ा केरे जो है एक बहुत ही खास यहाँ का पिकनिक स्पॉट है जो पुणे बेंगलोर NH4 बाईपास रोड के पास है। वीकेंड पर यानी शनिवार रविवार यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। यहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारा सा जलाशय है, मतलब क्या कहेंगे उसको, पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है जहां पर लोग जाते हैं और यही इस जगह को बहुत खास बनाता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के जो दृश्य है यहाँ पर काफी खूबसूरत नजर आते हैं और ये जलाशय ना शहर के लिए जलापूर्ति का काम भी करता है। लगभग 253 एकड़ में फैला हुआ है ये जलाशय और इसका इस्तेमाल जल संरक्षण के लिए भी किया जाता है। यानी देखिए प्रकृति के कितने करीब है, हर चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है ना कि कितनी खूबसूरती से प्राकृतिक जो तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी मुसीबतों को दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। एक शानदार अनुभव के लिए आप यहाँ आ सकते हैं और सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है कि यहाँ के प्राकृतिक नजारे उन्हें देखकर बस वाहवाही हो जाएगी आपके दिल के अंदर। Oh,
बेतुर ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगह है। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है दावणगेरे का। ये दावणगेरे जगलूर रोड पर जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि ये जगह मध्यकालीन काल के दौरान त्रिभुवन मल्ला पांडे की राजधानी थी। ये बहुत ही ज्यादा खास जगह है उन लोगों के लिए जो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, और यहाँ पर जो इतिहास प्रेमी हैं वो आते हैं, और उनके लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। बहुत सारी वास्तुकला आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे खंडहर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो पुराने जमाने में राजा थे वो अपने पशुओं को रखने के लिए भी इस जगह का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसको आप देख सकते हैं। चालुक्य शैली की सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है ये मंदिर। नए गंतव्य की तलाश करने वाले, जिनको नई नई जगहों को देखना खोजना अच्छा लगता है, वो यहां आना पसंद करते हैं।
ये मैं जानू या तुम जानो इशारा दावणगिरी अपने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, अपने धार्मिक स्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मंदिर है ईश्वर मंदिर, जिसके लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं दर्शन करने के लिए। ये मंदिर बागली गांव में है और मंदिर की वास्तुकला सचमुच देखने लायक है। इसे हौसला शैली में बनाया गया है और मंदिर के निर्माण में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया गया है, दोनों को मिला के उनका उपयोग किया गया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जब आप देखते हैं तो उस चीज को महसूस कर सकते हैं, तो मतलब लगता है कि हाँ सचमुच है कुछ खास जिसके लिए लोग आते हैं। भक्ति के साथ साथ जो वहाँ की वास्तुकला है, कुछ लोग जो वास्तुकला के उद्देश्य से जाते हैं वो आते हैं, खास है यहाँ पर। मंदिर की दीवारों और प्रवेश द्वारों को आप देखिए तो आकर्षक आकृतियों से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर लगता है। भगवान शिव की मूर्ति देख सकते हैं आप यहाँ पर, और भोलेनाथ के अलावा भगवान विष्णु, ब्रह्मा और गणेश भगवान की भी मूर्तियां यहाँ पर हैं, जिनका दर्शन सब लोग करते हैं यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं। तो जो दावणगिरी है वो ऐसी जगह है, कुल मिलाकर हम कहें अगर जो एक तस्वीर बना रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप साथ में मिलकर, कि एक ऐसी जगह है जहां पर इतिहास है, वास्तुकला है, संस्कृति है, झील है, मंदिर है और पिकनिक स्पॉट भी है। बहुत ही खूबसूरत दावणगिरी कर्नाटक का, जिसकी रेडियो तस्वीर आज हम बना रहे हैं। दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। आंखें मीचे दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। हमने भी रख दी है कल पे कल की बातें, जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें, दो ही घड़ी को साथ रहें
क्या है तन्हा जी का दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे आगे है बातिल मेरा और मैं पीछे पीछे दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे यहाँ पर एक और जगह है बाथी गुड्डा। बाथी गुड्डा का भी आप प्लान बना सकते हैं अगर आप दावणगेरे में पहुंचे हैं तो। पहाड़ी चोटी है ये बाथी गुड्डा जो है ना, और पहाड़ी स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही यहाँ पर। इसके साथ साथ पक्षी विहार के लिए भी ये जाना जाता है, मतलब बहुत सारे पंछी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो प्राकृतिक सौंदर्य हो और अलग अलग तरह के पंछी अपने अपने स्वर में गूंज रहे हों, ऐसी जगह पर कौन नहीं जाना चाहेगा। इस पहाड़ी पर एक प्राचीन हिंदू मंदिर भी है, चमन शाह वाली की दरगाह भी है यहाँ पर, इसे देखने लोग आते हैं। और मंदिर के परिसर में जो यहाँ पर मंदिर है उसमें अलग अलग तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं जिन्हें देखने भी अलग से लोग आते हैं। और वार्षिक उत्सव होता है यहाँ पर हर साल, वहां पर भी लोग आते हैं इन फूलों को देखने, इन प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए, यहाँ के पक्षियों की चहचहाट को सुनने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ की सुंदरता को अनुभव करने के लिए और प्रभु को मनाने के लिए जो मंदिर है वहां पर लोग आते हैं हर साल। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी। हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुझ छुपा लेना हमसे वो आपका, मुझ छुपा लेना हमसे वो आपका, देखना वो बिगड़ कर फिर हमें और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये समा मार गया, इसी जल में तेरे जहाँ हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी। आता है।
चाहे कोई डगर हो, प्यार की खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी तेरे दिल में, बनाया मैंने आशियां तेरे दिल में, बनाया मैंने आशियां। ओ शरद पूनम की रंग भरी चांदनी, मेरी सब कुछ मेरी तकदीर मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर, 4 रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। भारत के सभी मैच FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल, DRM, DTH, लोकल रेडियो स्टेशनों पर और अन्य सभी मैचों का आंखों देखा हाल DRM, DTH, लोकल रेडियो स्टेशनों पर आप सुन सकेंगे। तो सुनना न भूले आकाशवाणी पर ICC विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। .1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप, जिसमें हम आज रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं दावणगेरे की। कर्नाटक के दावणगेरे में कपड़ा उद्योग बहुत अधिक मात्रा में होता है, कपास और अनाज का व्यापार केंद्र है दावणगेरे। आसपास के गांव में हाथ से बुनी हुई कपास और ऊन का उत्पादन होता है यहां से। इसके अलावा यहां पर काली मिर्च का भी उत्पादन होता है, कंबल बनाने का काम भी इस जगह होता है। बहुत ही खास है कर्नाटक का दावणगेरे। जाए रे
सुनने को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। ए यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है कैसे कहो प्यासे रह पाए। तू मेरी मैं हूँ तेरा तेरी कसम हो करने को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। चाहे रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। मन करेगा ही नहीं वापस जाने का अगर आप पहुंच जाएंगी शांति सागर झील। दावणगेरे में शांति सागर झील बहुत ही खास पर्यटक स्थल है। ये एशिया का सबसे पुराना सिंचाई टैंक भी है। यहाँ पर जो सिंचाई है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है और 800 साल से भी पुराना इतिहास है इस जगह का। शांति सागर झील से सिंचाई प्रणाली 50 से अधिक गांव जो है उनमें सिंचाई की जाती है इस झील के पानी से। पर्यटकों के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षक इसको बनाने के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बना दिया गया है जिसमें आकर लोग रुकते हैं। और भव्य झील है ये। यहाँ पर बहुत सारी आपको जल क्रीड़ा करने को मिल जाएंगी यानी वाटर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। यहाँ पर नौकायन कर सकते हैं और भी बहुत सारी अलग अलग हैं। तो फिर आप खड़े क्यों हैं चुपचाप, छलांग लगाइए पानी के अंदर।
जी हाँ, मुलाकात अगर पहली बार भी हो तो भी खास ही होगी, क्योंकि बहुत ही खास है मरुदमलाई मंदिर जो दावणगेरे है। यहाँ पर ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, पहाड़ी की चोटी पर है ये। और इसकी कहानी है इस मंदिर के पीछे कि जब अंजनेय औषधीय पहाड़ी ले जा रहे थे, अंजनेय मतलब भगवान हनुमान जी, जब औषधीय पहाड़ी ले जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, जब उनको बाण लग गया था, मेघनाथ जी ने मारा था, तो उसमें से एक कोई जड़ी बूटी टूट कर इस पहाड़ी पर गिर गई थी, जिससे मरुदमलाई की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का ऐसा मानना है। घास और पेड़ की पत्तियों में भी आयुर्वेदिक तत्व होते हैं, उन्हें पवित्र माना जाता है। और फिर अगर ऐसी मान्यता हो कि भगवान हनुमान जो है उनको ले जा रहे थे और तब वो जड़ी बूटी गिरी और तब इसकी उत्पत्ति हुई पहाड़ी की और यहाँ पर मंदिर बना, तो फिर तो बात ही कुछ और है ना। यहाँ पर पूजे जाने वाले देवता जो है भगवान अंजनेय है, और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। और यहाँ पर जो जड़ी बूटियां हैं, माना जाता है कि बहुत ही खास हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली हैं। इसके अलावा दावणगेरे में एक और खास बात है, ग्लास हाउस। यहाँ का ग्लास हाउस गार्डन ये कहिए आप, कर्नाटक के बीचों बीच है ये, और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। कुंडवाड़ा झील जो है उसके पास ये ग्लास हाउस है, और इस ग्लास हाउस में घूमना एकदम ऐसा लगता है मतलब आप कहीं और ही आ गए हैं। एकदम नीले नीले से रंग का है ये, और चारों तरफ हरी हरी हरियाली है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि आप अंदर से बाहर जो है मतलब एक अलग तरह का एहसास है। सोचिए ना कि आप एक ग्लास हाउस में हैं और बाहर आपको बिल्कुल हरियाली दिख रही है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल मतलब उससे भी ज्यादा अच्छा। बोलने में शायद आप उतना फील नहीं कर पाते हैं, जब खास एकदम पास जाकर आप देखते हैं तो अनुभव अलग होता है। जो चीज इसको, इस ग्लास हाउस को दूसरों से अलग बनाती है, वो है यहाँ की बागवानी, बहुत ही खूबसूरत है। और आप यहाँ देख सकते हैं सूर्य की स्थिति, और सूर्य की स्थिति के साथ साथ सूर्य उदय और सूर्य अस्त, उन दोनों को आप ट्रैक कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा खास बात है यहाँ की। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। फूल उठा ले तो कलाई में लचक आ जाए, तुझ हसीना को खुदा ने वो नजाकत दी है। मैं जिसे प्यार से छू लूं वही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। मैं गुजरता ही गया एक तेरे नाम ने, क्या क्या मुझे हिम्मत दी है, मेरे दिल को भी
जरा देख कहाँ तक हूँ मैं, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे जान से सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। तू अगर चाहे तो चाल दी है तुझे मालिक ने कयामत दी है। मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को बना दूँ पानी, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐसा नाम जिसने तुझे चांद सी दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐसा नाम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। दावणगेरे कर्नाटक में अपने उभरते हुए कपास उद्योगों और दंत चिकित्सा के लिए जाना जाता है, एक प्रसिद्ध जिला है। जो कपास उद्योग है उनके कारण इसे कर्नाटक का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ के मंदिर और ऐतिहासिक कलाकृतियां आपका मनोरंजन करेंगी और अपनी शांति और सुंदरता से आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। तो एक बार पधारिए दावणगेरे। रेलवे, वायुमार्ग और सड़क सबसे कर्नाटक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और कर्नाटक से टैक्सीज द्वारा, रेल द्वारा, सड़क के दूसरे माध्यमों द्वारा आसानी से दावणगेरे पहुंचा जा सकता है। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम ना बोलेंगे कभी तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। Thank you.
देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। इसी के साथ कीजिए स्वीकार भावना का नमस्कार।